खाने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा भी दे रहा है, साबुन तेल के लिए मेरे खाते में आए, खाने के लिए तेल दे रहा है, खाने के लिए तेल दे रहा है हमारे लिए। महीने में ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, यहाँ सुख की लालसा मत देखो, सुख मत देखो। इनकी हालत देख के बताओ, पैर में जूता नहीं है, आज में इनके कितने सुख में। नरेंद्र मोदी कितना खर्चा देता है? 300 रुपए रोज, 300 रुपए महीने। क्या बच्चे तुम्हें? 300 रुपए महीना, महीना निकल जाता 300 में। हाँ निकल जाएगा, थोड़ा खाओ, कम खाओ कम। असल में क्या है, ये है अंधभक्त, इनकी आंखों पे लोहे का चश्मा चढ़ा हुआ है नरेंद्र मोदी का। अरे ये गोबर खाएंगे और पेशाब पियेंगे। अरे सुन, हम बताते हैं, तीन तरह का इंसान होता है, सब लोग इंसान है। एक पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखा जाहिल, एक जाहिल। तो जाहिल आदमी को कुछ जानकारी नहीं है तो कुछ भी बक देगा जिसमें कहिए है। अब पढ़ा लिखा जाहिल उसको कहते हैं कि सोचता नहीं है, खाली को लगा कि इस पार्टी का है, जबकि वो नेता उसको पहचानता भी नहीं है। एक टाइम खाना चाहिए 24 घंटे के अंदर, और किसी दिन व्रत रखना चाहिए। भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हो गई किसानों की आय दुगनी हो गई। क्या चीज में धरा है मुझे बता, क्या चीज में धरा है? आदमी का सिलेंडर कितने का था? आज कितने का है? कांग्रेस के राज में सिलेंडर कितने का? 500 का। कितने का? 400 का। कितने का? बकवास है। तुझे दे दिया 10,000, दंगा फसाद कर दे कर जा। तुझे दे दिया मुसलमान मार दे मार दिया, तुझे दे दिया हिंदू मार दे मार दिया। अब काय का भ्रष्टाचार खत्म है? दिमाग तुम लोगों में नहीं है, दिमाग तुम लोगों में नहीं है। तो गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, लगातार चुनाव को लेकर सर्वे जारी है, लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, महंगाई की क्या स्थिति है, रोजगार में कितना इजाफा हुआ है, साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की क्या डबल आय, जो किसान यहां पर आते हैं अपना सामान सब्जी बेचते हैं, क्या उनकी डबल आय हुई है नहीं हुई है, किसानों के बीच में ही है, किसानों से ही बात करते हैं। जी कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से? हाँ जी। मोदी जी के वादे जो थे उनसे आप कितने सहमत हैं? बहुत ज़्यादा सहमत हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? हाँ जी। आप भी खुश हैं? जी भाई जी। कि क्या कौन कौन से वादे सही होते हुए आपको नज़र आए? हमारे लिए ये वादे नज़र आए सही होते हुए कि उन्होंने जो किया, जो कहा था वो सही पूरा हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए लोगों को बताइए। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार का नाश कर देंगे। अच्छा। इसको पैदा नहीं होने देंगे। हाँ। और बस ये बोला था सो हो गया। भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हो गई किसानों की? किसानों की आय दुगनी हो गई। किसानों की आय दुगनी हो गई, ये दुगनी हो गई। कितना दुगना हो गया? हर चीज महंगाई है, हर चीज महंगाई है। महंगाई से दुगनी कैसे हो जाएगी? महंगाई से दुगनी इसलिए हो जाएगी के किसान के लिए हर चीज महंगी मिल रही है ऊपर से। पर आपकी बात से किसान भाई ये बता, प्याज क्या रेट है? 300 रुपए, 300 रुपए दाढ़ी है। क्या रेट है? 40-50 रुपए दाढ़ी। कौन खरीदा? मजदूर आदिम खरीदा। क्या मजदूरी? 500 रुपए की मजदूरी है। क्या मजदूरी है? मजदूरी 1000 की तो होता। पूरे दिन ऐसी मरा, बालक बच्चे कहाँ डालेगा? किराए पर रह रहा, मकान रह रहा, गरीबों को तोड़ रहा है। क्या है? क्या चीज में धरा है पहले मुझे बता, क्या चीज में धरा है? आदमी का था सिलेंडर कितने का था? आज कितने का है? कांग्रेस के राज में सिलेंडर कितने का? 500 का। कितने का? 400 का। कुछ नहीं है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तालियां बजाती है खेतिया, सरकार कोई खाने को नहीं देती है, ना तो बीजेपी खाने को दे, ना कांग्रेस खाने को दे, ना कोई सरकार खाने को नहीं देती। सरकार देती है मजदूरी। सब नेता अपनी कुर्सी के लिए लेते हैं, सब नेता अपनी कुर्सी को ले रहते हैं, काई के लिए नहीं रहते। जीत के अपने घर जाकर बैठे, गरीब तुम मरा, मैं नहीं मरा, तू मरा। तुझे दे दिया 10,000, जा दंगा फसाद कर दे कर जा। तुझे दे दी जा मुसलमान मार दे मार दिया, तुझे दे दिया हिंदू मार दे मार दिया। अब काई का भ्रष्टाचार खत्म है? दिमाग तुम लोगों में नहीं है, दिमाग तुम लोगों में नहीं है। दिमाग उस बात में करना चाहिए। आदमी सरकार अपनी सीट जीत के चली गई, वो अपने घर बैठ गया। ये मैं देखो बीजेपी ना तो ये जेत जो तो हो गई, जो होगी हिंदू मुसलमान वाली बात कह दी, सरकार जीत गई, बीजेपी आ गई, वो आ गई। अरे कोई सरकार आ जाओ, हमें सब सरकार अच्छी है, सब अच्छी लगे, जो सरकार है वो अच्छी लगे, सब अच्छी। लोगों के हित में काम, लोगों के हित में काम होना चाहिए। अब मजदूर आदमी है, कमाई करने जा रहा है, 500 रुपए किसी ने झाड़ी ना दी तेरी माँ, 500 रुपए के लिए आ गया। मजदूर आदमी यहाँ सब्जी खरीदने आ रहा है, क्या खरीदना, क्या रेट पे आ जाए, क्या रेट सब्जी के लिए? मजदूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खाने के लिए। खाने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा भी दे रहा है, साबुन तेल के लिए मेरे खाते में आए, खाने के लिए तेल दे रहा है, खाने के लिए तेल दे रहा है हमारे लिए। महीने में ज्यादा मत खाओ,
कम खाओ, यहाँ सुख की लालसा मत देखो, सुख मत देखो, यहाँ शांति शांति देखो, सुख का मत देखो, सुख खाने के लिए यहाँ शांति की स्थापना। काम नहीं करे, काम करो लेकिन ज्यादा मत देखो, शांति से। इनकी इनकी हालत देख के हमारा तो नहीं आया, इनकी इनकी अरे एक मिनट, इनकी इनकी हालत देख के बताओ ये कितने सुख में, इनकी हालत देख के बताओ, पैर में जूता नहीं है, आज में इनके कितने सुख में। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी खाने को दे रहा है इनसे, पूछो कितना दे रहा है इनको, महीने में कितना देता है, खर्चा कह रही है, हाँ खर्चा देता है, कितना देता है पूछ के बताओ, किस कितना खर्चा देता है तुम्हें, नरेंद्र मोदी कितना खर्चा देता है, 300 रुपए रोज, 300 रुपए महीने, क्या बच्चे तुम्हें, 300 रुपए महीना, महीना निकल जाता 300 में, हाँ निकल जाएगा, थोड़ा खाओ, कम खाओ, कम, मेरे बच्चे की ट्यूशन, मेरे एक बच्चे की ट्यूशन की 1500 रुपए महीना है, मेरे एक बच्चे की, खाओ ना आप, ये कह रहे कम खाओ, तो भूख हड़ताल में बैठ जाते, ज्यादा दलाली खाओगे, ज्यादा दिन रात दलाली खाते रहोगे, दलाल आदमियों के दिन रात, असल में क्या है, असल में क्या है, ये है अंधभक्त, इनकी आंखों पे लोहे का चश्मा चढ़ा हुआ है नरेंद्र मोदी का, उसने सीधा उसने 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 सीधा का, ये इनकी आंखों पे लोहे का चश्मा चढ़ा हुआ है, आगे समय में ये अगर 1500 रुपए का क्या की बात भी आऊंगा, ये गोबर खाएंगे, ए यार सुनो, अरे ये गोबर खाएंगे और पेशाब पियेंगे, आज में एक गोवर्धन आ रहा है, गोवर्धन पूजा, एक गाय एक गाय जब बच्चा देती है, एक गाय जब एक मिनट सुनो तो एक मिनट, एक गाय जब बच्चा देती है, सुन तो ले, अरे अल्लाह वो तो आप पूछ सकते हैं, सुनिए ना, उसके गोबर में गोबर का कंडा बनता है, गोबर का कंडा बनता है, कंडे से रोटी बनती है, उसका उसका क्या गलत है, हम उसे खाते हैं कंडे की सिकी हुई रोटी, गोबर को खाते, गोबर नहीं खाते, तो वो खराब थोड़ा ही है, कोई गोबर बचता ही है, गाय बच्चा देती है, उस बच्चे को भी ये पता है मुझे दूध पीना है, मगर ये खुला दूध, अब इंसान बढ़ जाएगा जानवर बढ़ जाएगा बता लो, जानवर बढ़ जाएगा, इंसान बढ़ जाएगा जानवर बढ़ जाएगा, हम तो ये कह रहे हैं क्या शराब पीने वाला आदमी जो है क्या बहुत बड़ा अधर्म करता है, नरेंद्र मोदी ने बंद कर दी शराब, क्यों भेज रहे भाई, तो आप माना कहाँ चलने का दे रहे हैं उसकी, चालू है तो आप चलने का दे रहे हैं, जमना मैं दिखाऊं है कि मोदी जी ने जो उनकी योजनाएं हैं उससे आम जो किसान है नागरिक है उन्हें कितना फायदा मिला है, इतने लोग खड़े हैं इनसे मालूम कर लो किस किस को फायदा मिला है, अच्छे तुम मोदी जी के हमारा तरफ किसी तरह बात कर रहे हैं, सुनिए तीन तरह का आदमी होता है, एक पढ़ा लिखा, सुनिए ना, एक पढ़ा लिखा, अरे सुन हम बताते हैं, तीन तरह का इंसान होता है, सब लोग इंसान है, एक पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखा जाहिल, एक जाहिल, तो जाहिल आदमी को कुछ जानकारी नहीं है तो कुछ भी बक देगा जिसमें कहिए हैं, अब पढ़ा लिखा जाहिल उसको कहते हैं कि सोचता नहीं है, खाली कह देगा कि इस पार्टी का है जबकि वो नेता उसको पहचानता भी नहीं है, अब मोदी जी पहचानते हैं आपको, और सुन लीजिए ये दिन, सुनिए सुनिए और सुन लीजिए, मैं तजुर्बा से कह रहा हूँ, इसमें क्या हो, एक टाइम खाना चाहिए 24 घंटे के अंदर, और किसी दिन व्रत रखना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे क्या, उससे जो है क्या ऊपर वाले के लिए लाभ होता है, और हमारा ऊपर वाला अनाज बचता है, राशन बचता है, ऊपर वाला इंसानों का मोहताज है, राशन बचाने के लिए आपको एक दिन भूखा रहना, भूखा रहना, वो क्या उसके खजाने में तो कमी पड़ जाती है, इतने इंसान पैदा करे, इतनी दुनिया उसने बनाई, सबको पालन पोषण कर रहा है, ये उसके नाम का एक व्रत रखे, उस पर एहसान करना चाहते हैं, चले भी तू अपना नाच बचा ले, यही बात है ना, सुनिए ये दिन जाने वाला है, ये दिन जाने वाला है, सही आदमी आने वाला है, मोटा मोटी समझ लीजिए, अब की सही का चुनाव हो जाएगा, हम किसी को आएगा तो मोदी, वो कौन आएगा सामने आ जाएगा, ये सही कह रहे हैं, 50% महिलाओं का वोट बंद रहता है, और आदमी कहते हैं बंद है, वो बोलता नहीं, ये सही कह रहे हैं, वो जाएगा अंदर, महिला वोट जाएगा अंदर, और उस पर फूल पे वोट लगाया आएगा महिला का, वो बताएगा किसी को, सही कह रहे हैं, वोट आदमियों का है, ये सही कह रहे हैं, मोदी जी आएंगे, ईडी उनके पास आए समय, इलेक्शन कमीशन उनकी आए समय,
और उनकी उनके अंडर काम कर दिया। ईवीएम में गड़बड़ी वो करते हैं तो मोदी जी तो आते हैं। आप मुझे बता दो, जनता नहीं चुनती है उन्हें, जनता चुनती है वोट डालते। एक जगह अभी पीछे इलेक्शन हुए मेंबरी के मेरठ में, वहाँ एक मोहम्मदन इलाके में बीजेपी पार्टी से कोई नहीं खड़ा, आगे समय बटन पे मोहर दबाया उसने हाथी पे और जा रही है बीजेपी, उधर कैंडिडेट नहीं खड़ा। सुनो, जैसे पहले वोट होता था वॉलेट पेपर पे लिख के, ऐसे वोट हो अपने देश में, ऐसे वोट हो मेरे देश में। जहाँ कैंडिडेट बीजेपी को नहीं खड़ा है वहाँ भी बीजेपी को वोट जा रहे हैं। तो मोदी करने वालों का नाश हो जाएगा, हो रहा है इस टाइम, ऐसा नहीं होता। बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खत्म हो रही है, पता चल जाएगा। एक साल के बाद पता चल जाएगा बेईमानी का।